सत्यात प्रकाश, जिसकी वजह से पंडित महेंद्र पाल आर्या ने एक बड़ी मस्जिद की इमामत छोड़कर, यानी कि इस्लाम छोड़कर आर्य समाज में आ गए, यानी हिंदू बन गए। ये सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दया आनंद सरस्वती जी ने। चलो देखते हैं आज के इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश चतुर समुलास में प्रश्न नंबर 101 में ये लिखा हुआ है कि स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, यानी सवाल किया कि एक स्त्री कितने पुरुष के साथ नियोग कर सकती है, यानी कि कितने आदमियों के साथ एक औरत नाजायज संबंध रख सकती है। तो स्वामी जी ने जवाब ये दिया, उत्तर में ये लिखा हुआ है कि स्वामी जी ने कहा कि 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वहीं एक पुरुष 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। यानी कि एक औरत 11 लोगों के साथ चक्कर चला सकती है शादी से पहले, नाजायज बंधन, और एक आदमी 11 औरतों के साथ नाजायज रिश्ता रख सकता है। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन। मैं आर्य समाज में आया ऋषि दयानंद के विचारधारा को पढ़कर, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को ये मानता है, ऋषि दयानंद के विचारधारा को ये अपनाता है या अपनाया है। एक बड़ी मस्जिद के इमाम थे और उनको आर्य समाज की विचारधारा मिली और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर उन्हें समझ में आया कि मेरा मूल धर्म वैदिक धर्म है, और उन्होंने उस अपने उस धर्म को जो के तथाकथित धर्म था उसे छोड़कर आर्य समाज में दीक्षित हुए और वैदिक धर्म में प्रचारक बने और इस समय बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं वही बड़ी बड़ी मस्जिद का इमाम था, शक्ति जी के माध्यम से सत्या। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين। जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, इसके अंदर पंडित महेंद्र पाल आर्या ये कह रहे हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर, यानी स्वामी दयानंद जी की किताब को पढ़कर, मैंने इस्लाम छोड़ दिया और आर्य समाज में आ गया, सनातन धर्म में आ गया। तो चलिए देखते हैं कि पहले ये स्वामी दया आनंद सरस्वती जी थे क्या चीज। इनकी किताब में लिखा हुआ है, आत्मकथा ऋषि दया आनंद जी की किताब है जो खुद अपने हाथों से लिखी है, उसमें ये लिखा हुआ है 22वें प्रश्न में, मैं भगवान के खोज में था सन 1856 में और दुर्गा मंदिर के पास 10 दिन तक रहा और उधर मैंने चावल खाना छोड़ दिया और दूध पीकर अपना गुजारा किया। फिर मैंने भांग पीना शुरू की तो जब मैंने भांग पिया तो एक लंबे नींद में चला गया, हत्ता कि सुबह हो गई, और कभी कभी भांग पीकर मैं सो जाया करता था और टाइम गुजर जाता था और मुझे पता नहीं चलता था, और मैं भांग पीने के बाद बेसुध हुआ करता था। मेरा सवाल ये है कि कैसे कोई ऋषि, जिसको मां ऋषि कहते हैं या ऋषि कहते हैं, भांग पीकर नशे के अंदर आके भगवान की खोज में निकलता है और खुद ये भी लिखता है, अपने आप को एक्सपोज भी करता है अपनी किताब के अंदर कि मैंने ये अत्याचार किया, मैं स्वामी बन के ये अत्याचार करता हूं। नंबर दो, ऋषि दया आनंद जी की जीवन प्रचन में ये लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 302, स्वामी जी ने हुक्का पीना शुरू किया था उन दिनों में, तो एक दिन एक भागीरथ पंडित आया, पंडित जी ने विशेष किया, प्रश्न किया स्वामी जी से कि क्या वेद के अंदर हुक्का पीना लिखा है। तो स्वामी जी की आंसर देखो आप, क्या जबरदस्त आंसर दिया स्वामी जी ने अपने इस गलत करतूत से निकलने के लिए कि कोई पंडित ने मुझे देख लिया कि मैं हुक्का पी रहा हूं। तो जवाब दिया
कि वेद में कहीं भी निषेध है हुक्का पीना, यानी हुक्का पीना वेद के अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ कि हुक्का पीना जायज नहीं है या हराम है। गलत चीज करके और कैसे आराम से अपने आप को निकाल दिया, ये महर्षि पंडित महेंद्र पाल आर्य, इतने सालों से आप जाकर इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं कि आपने ये किताब पढ़कर, सत्य प्रकाश पढ़कर आप आर्य समाजी बने, आपने स्वामी दयानंद की चरित्र पढ़ के, उनकी जीवन पढ़ के, आपने इस्लाम छोड़कर, एक बड़ी मस्जिद की इमामत छोड़कर आपने हिंदू समाज में आ गए, आर्य समाज में आ गए और हिंदू बन गए, ये थे आपके दयानंद जी। इससे ये पता चलता है या तो किसी ने आपको पैसे दिए या फिर आपको लगा कि यार ये एक बहुत फ्रीडम है, इसके अंदर हुक्का भी पी सकते हैं, हमारे स्वामी जी हुक्का भी पीते थे, नशे में भी आ जाते थे, या फिर आपने ये सोचकर किया। चलिए आते नंबर तीन की तरफ। वही जीवन चरित्र में आता है स्वामी दयानंद जी की 208 प्रतिशत में लिखा हुआ है, स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया थी। ये मैंने नहीं लिखी, ये स्वामी जी के जो चेले थे, जो उनके फॉलोअर थे, आर्य समाज के बड़े पंडित ने ही लिखी है ये जीवन चरित्र स्वामी दयानंद जी की। अब जरा देखें क्या लिखा हुआ है कि स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया थी और पत्थर के ऊपर एक खाने की डिबिया जिसमें खाने का तंबाकू रखा था। अंदाजा लगाएं, ये महर्षि हैं, ये समाज सुधारक हैं, ये पंडित जी के गुरु हैं। आगे पढ़ते हैं, प्रशत 121 में ये लिखा हुआ है कि स्वामी जी अक्सर औकात नंगा घूमा करते थे, क्योंकि एक लंगोटी थी, उसको एक मर्तबा नहीं बल्कि बार बार जब धोने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि एक ही थी ना उनके पास, एक ही लंगोटी थी, वो निकाल के धोने के लिए नदी में डालते थे, पानी में नंगा घूमते थे। उसके बाद अंदाजा लगाइए स्वामी जी हैं। और आगे ये भी लिखते हैं कि उधर स्त्रियां आती जाती रहती हैं, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके बावजूद नंगा घूमते रहते थे। ये इनके गुरु हैं, ये इनके स्वामी जी हैं, ये इनके महर्षि पंडित। देखो कैसे हैं तुम्हारे ऋषि, महर्षि देखो अपने, इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं सत्यात प्रकाश प्रश्न नंबर 101 समुलास, चतुर समुलास में ये लिखा हुआ है कि स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, सवाल किया कि एक स्त्री कितने आदमियों के साथ नियोग कर सकती है, यानी नाजायज रिश्ता रख सकती है शादी करने से पहले बगैर शादी के। तो जवाब देखें स्वामी जी की, स्वामी जी ऐसा मस्त जवाब देते हैं जिसको सुनकर पंडित जी ने, महेंद्र पाल आर्य ने, इस्लाम को छोड़कर कि इस्लाम के अंदर ये चीजें नहीं है, मुझे ये मौज और मस्ती मिलेंगी किधर, आर्य समाज में या फिर ये किताब सत्यार्थ प्रकाश, जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने ये पढ़ के मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि स्वामी जी जवाब ये देते हैं कि एक स्त्री, यानी कि एक स्त्री 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, और वहीं एक पुरुष 11वें स्त्री के साथ नियोग कर सकता है। अंदाजा लगाएं, एक औरत 11 लोगों के साथ नाजायज संबंध रखती है और एक आदमी 11 औरतों के साथ नाजायज संबंध रख सकते हैं। इसी वजह से तो ईड्स फैलाया है, स्वामी जी ने ही ईड्स फैलाया इसकी वजह से, ऐसे संबंध लगा के छोड़ दे 11 लोग। अब सोचें, ये स्वामी जी की किताब है, खुद लिखी उन्होंने, ये पढ़ के पंडित ने अपने इस्लाम को छोड़ के आर्य समाज में आ गए। आगे पढ़े, आगे ये लिखा हुआ है कि किसी एक समझदार इंसान ने स्वामी जी को पकड़ लिया, बोला स्वामी जी सत्यात प्रकाश के अंदर वही समुलास चतुर समुलास में प्रश्न नंबर 98 इसमें यह लिखा हुआ है कि
स्वामी दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, कि भाई ये तो हर एक नेचुरल इंसान यही कहेगा ना कि ये पाप की चीज है, आप कैसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को ये कह रहे हैं, एक समाज सुधारक बन के, एक ऋषि बन के, आपने आपको ऋषि कह के और लोगों को ये कह रहे हैं कि नियोग करो, औरतों को कह रहे हैं, स्त्रियों को कह रहे हैं आदमियों के साथ। तो किसी एक होशियार एक नॉर्मल बंदे ने ये पूछा कि स्वामी जी हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। उत्तर जवाब देखें आप स्वामी जी का। स्वामी जी दयानंद जी ये जवाब देते हैं, जो नियोग की बात में पाप मानता है तो विवाह में पाप क्यों नहीं, यानी जो नाजायज संबंध में पाप उसको लगता है कि पाप है तो विवाह भी एक बड़ा पाप है, तो विवाह करना भी पाप है। यानी एक हिंदू जब शादी करता है तो वो पाप करता है। अंदाजा लगाएं, ये आप लोगों का गुरु है, ये आप लोगों का ऋषि है, जिसको ऋषि महर्षि कहते हैं आप, ये लिखे मैं ऐसे। मैं इंशाल्लाह और वीडियोस बनाते जाऊंगा जिसके अंदर पूरा पोल खोल दूंगा इस किताब के बारे में और पंडित महेंद्र पाल आर्य के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।